हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एवरग्रीन क्विक एंड इजी आज मैं बनाने वाली हूँ पोहे रेसिपी तो चलिए हम बिना किसी देर के अपनी ये डिलीशियस एंड यमी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने लिए हैं पोहे इनको मैं डायरेक्ट नल के नीचे ही वॉश करूँगी अच्छे से इनको पानी से धो लूँगी बस अभी इनको जो है एक साइड में रख देते हैं इधर मैंने एक कढ़ाई पे लिया है सरसों का तेल उसके अंदर ऐड करूँगी राई एक चम्मच मैंने राई डाली है राई का जो तड़का है पोहे में वो तो पोहे के स्वाद को दुगना कर देता है और साथ में इसके अंदर ऐड होता है करी पत्ता और कटा हुआ आलू और अब मैंने ऐड की है इसके अंदर मूंगफली कच्ची पीनट्स ली हैं मैंने आप चाहें तो रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं अगर आपके पास जो है वो कच्ची मूंगफली नहीं है तो आप रोस्टेड भी ले सकते हैं इसको अच्छे से पकाएंगे आलू जब हल्का हल्का गलना शुरू हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे मटर मटर फ्रोज़न थे तो फ्रोज़न मटर पहले से ही हल्के से पके हुए होते हैं इसीलिए मैंने पहले अच्छे से आलू को ही पकाया था बाद में मैंने मटर ऐड किए हैं इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर प्याज कटा हुआ प्याज ऐड करूँगी और दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब मैं डालने जा रही हूँ एक कटा हुआ टमाटर सारी सब्ज़ियों को हमें बीच बीच में लो फ्लेम और फुल फ्लेम पर पकाना है दो से तीन मिनट तक हमें इन्हें पकाना है आलू और मटर बिल्कुल भी जो है वो कच्चे नहीं रहने चाहिए अभी जो आलू हैं वो रोस्टेड होने शुरू हो गए हैं बस अभी दो से तीन मिनट हो गए हैं अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ में ऐड करूँगी हल्दी हल्दी से पोहे का कलर बहुत ही अच्छा आता है हल्दी से ही इसका कलर आता है ये देखिए सब्जियां पक चुकी हैं अभी पोहा जो है उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है मैं अभी पोहा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने भिगो के रखे थे उसी दौरान जो पोहे होते हैं वो पानी सोख लेते हैं अच्छे से तो इनको ज़्यादा गहरे पानी में डिप करके जब भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं होती अभी मैं ऐड करूँगी दो से तीन नींबू का रस नींबू से तो पोहे का जो स्वाद है वो भाई दुगना हो जाता है नींबू के बिना पोहा अधूरा है तो अभी हम सर्व करते हैं ये देखिए मैंने पोहा रेडी कर लिया है सर्व भी कर दिया है तो अभी ये डिलिशियस ब्रेकफास्ट जो है वो मैं खाऊंगी और ये यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है और ये हैवी भी नहीं होता एक हल्का सा नाश्ता है अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप आलू को अवॉइड भी कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में